अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है हीप सॉर्ट। इससे पहले जो है हमने वो एवियल और स्प्ले ट्री के कॉन्सेप्ट को देखा था। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ हीप। अ हीप इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर्स अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद कीज एंड हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। सो अ हीप, व्हाट इज बेसिकली हीप, क्या होता है? हीप एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को या तो ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन को जो है वो स्टोर करता है की फॉर्म के अंदर। जैसे कि अगर हमारे पास है, जिसमें हमारे पास दो जो है वो मेजर कॉन्स्टेंट इसके होते हैं। नंबर वन के वो जो है कम्प्लीट बाइनरी ट्री होना चाहिए एंड सेकेंड के हीप ऑर्डर होना चाहिए। तो अगर हम कम्प्लीट बाइनरी ट्री की जैसे यहाँ पे बात करें तो कम्प्लीट बाइनरी ट्री क्या होगा हमारे पास? कम्प्लीट बाइनरी ट्री इज बेसिकली जिसमें हमारे पास ट्री स्ट्रक्चर के अंदर लेफ्ट मोस्ट पॉसिबल नोड्स जो हमारे पास होती हैं वो बैलेंस्ड हो, चाहे वो जो है वो लेफ्ट टू लेफ्ट की हम बात करें या राइट टू लेफ्ट की बात करें। तो पॉसिबिलिटी हमारे पास ज्यादातर क्या होती है कि जितने भी लेफ्ट नोड्स हमारे पास हैं वो तमाम लेफ्ट नोड्स हमारे पास बैलेंस हो जाए। ठीक है, एंड नंबर टू पॉइंट इज हीप ऑर्डर। अब हमारे पास जब हम हीप सॉर्टिंग की बात करें तो हीप ऑर्डर हमारे लिए ज्यादा मैटर करता है। अब हीप ऑर्डर में हमारे पास क्या होता है कि अगर हम एक सीक्वेंस होता है हम उसको बेसिकली फॉलो करते हैं। जैसे कि हीप ऑर्डर की जो टाइप्स की अगर हम बात करें तो वो जो है वो दो होते हैं, जिसमें मिनिमम होता है मैक्सिमम होता है। तो हमें जो है वो हर ऑर्डर को मिनिमम ऑर्डर के तहत या मैक्सिमम ऑर्डर के तहत जो हीप को है वो बैलेंस करना होता है। द हीप सॉर्ट एल्गोरिथम हैज टू मेजर स्टेप्स। द फर्स्ट मेजर स्टेप इन्वॉल्व्स ट्रांसफॉर्मिंग द कंप्लीट ट्री इनटू अ हीप। पहले स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं कि हम तमाम जो भी हमारे पास ट्री होता है उसको कंप्लीटली हम क्या करते हैं, हीप ट्री के अंदर जो है हम उसको पहले ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। और सेकेंड स्टेप के अंदर द सेकेंड मेजर स्टेप इज टू परफॉर्म द एक्चुअल सॉर्ट बाय एक्सट्रैक्टिंग द लार्जेस्ट और द लोएस्ट एलिमेंट फ्रॉम द रूट एंड ट्रांसफॉर्मिंग द रिमेनिंग ट्री इनटू अ हीप। इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं सेकेंड स्टेप में आके कि जो अगर के हम किसी एक या तो लार्जेस्ट एलिमेंट को या तो हम लोएस्ट एलिमेंट को स्मॉलर एलिमेंट को जो है वो चेक करके उसके बेस पे जो है हम बाकी ट्री को जो है वो मेंटेन या उसको ट्रांसफॉर्म जो है हम कर रहे होते हैं। अगर हीप सॉर्ट की टाइप्स की बात की जाए तो हीप सॉर्ट की जो है वो दो टाइप्स होती हैं, एक मैक्स हीप लाइक मैक्सिमम हीप और एक हमारे पास होता है मिनिमम हीप। अगर मैक्सिमम हीप की एग्जांपल देखी जाए तो ये हमारे पास जो वो मैक्सिमम हीप है, तो हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये मैक्सिमम हीप है या जो है वो मिन हीप है? तो बेसिकली हम जो है वो रूट नोड को इसमें देख रहे होते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो 19 है हमारे पास, ठीक है, 19 और 12 और 16। तो ऑब्वियसली ये चिल्ड्रन नोड से जो है वो 19 जो है वो बिगर है। दैट मीन्स ये किसकी एग्जाम्पल है? मैक्स हीप की, क्योंकि इसका पेरेंट नोड जो है वो बिगर है। इसी तरीके से हम यही रूल जो है वो बाकी नोट्स के ऊपर भी चेक करेंगे कि क्या हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो सेटिस्फाई होती है, ताकि हमें आइडेंटिफाई हो जाए कि जिस ट्री के ऊपर हम काम करें वो मैक्स हीप है या नहीं है। तो अगर हम यहाँ 12 को देखें जो कि पहले 19 का लेफ्ट चाइल्ड था और अब आगे चल के वो खुद एक पेरेंट नोड बन गया है 1 और 4 के लिए। तो 12 क्या है? 12 इज अ बिगर बिगर देन 1 एंड 4। 1 एट द लेफ्ट साइड, 4 एट द राइट साइड। तो यस, 12 इज बिगर, दैट मीन्स इट इज मैक्स। अगर हम यहाँ पे मजीद कोई नोड होती तो हम आगे भी चेक करते हैं, लेकिन वी डू नॉट हैव द नेक्स्ट नोड। सो व्हाट वी सी, हम इसके राइट साइड पे आ जाएंगे। राइट नोड पे हमारे पास क्या है? 19 की जो राइट चाइल्ड था वो 16 था, जो कि अब इसका बिहेवियर एज अ पेरेंट नोड हो गया है। तो 16 को अगर हम चेक करें यहाँ पे तो 16 जो है वो पेरेंट नोड है, ठीक है, और उसका चाइल्ड नोड जो हमारे पास सिंगल है 7। सो दैट मीन्स 16 जो है वो बिगर है। तो इट मीन्स कि ये एग्जाम्पल जो है वो मैक्स हीप की है। हमें कैसे पता चला कि एग्जाम्पल जो मिक्स है मैक्स हीप की है? तो हमने उसके रूट नोड को चेक किया और उसको कंपेयर किया उसके चिल्ड्रन नोड से। तो जब भी चिल्ड्रन नोड हमें पेरेंट नोड से स्मॉलर मिल रहे थे और पेरेंट नोड की वैल्यू बिगर थी, तो हमने कहा कि यस इट्स अ मैक्स हीप। अगर हम इसको एरे फॉर्म के अंदर देखें तो हमारे पास लिस्ट ऑफ एलिमेंट या लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है, जो हमने पहले बात की थी कीज की, वो हमारे पास कुछ ऐसे गिवन है, 19 है, 12 है, 16 है, 1 है, 4 है एंड 7 है। तो हमने इसके अकॉर्डिंग ही जो है ट्री को स्ट्रक्चर दिया है। जैसे कि पहले लिस्ट के अंदर 19 था,
हमने 19 को जो है वो टॉप पेरेंट पे रख दिया। देन हमारे पास जो है वो 12 था, तो 12 सेकेंड इंडेक्स पे था, तो हमने क्या किया इसको लेफ्ट पे रख दिया। 16 है हमारे पास, देन हमारे पास 1 था, 4 था और 7 था। इसी तरीके से वन बाय वन हमने एरे के एलिमेंट से भी एक ट्री को स्ट्रक्चर देते चले गए। और अगर हम अगर यहाँ पे मिन हीप की एग्जांपल देखें, तो मिन हीप की एग्जांपल कैसे देखेंगे कि इसी को अगर मैं रिवर्स कर दूं तो हमारे पास जो वो मिन हीप हो जाएगा। जैसे कि मैक्स हीप के अंदर हम पेरेंट नोड को जो है वो मैक्सिमम वैल्यू देख रहे थे, अब मिन हीप के अंदर हम क्या करेंगे, मिन हीप के अंदर हम पेरेंट नोड की वैल्यू जो है वो स्मॉलर होगी, स्मॉलर देन इट्स चिल्ड्रन नोड। जैसे कि वन है यहाँ पे, सो वन जो है वो स्मॉल है, स्मॉलर देन 4 एंड 16। और अगर 4 को देखा जाए जो कि पहले यहाँ का लेफ्ट नोड था, बिगर था, अब यहाँ पे जो है वो एज अ पेरेंट नोड काम कर रहा है। अब 4 जो है वो लेफ्ट नोड पे है और ये पेरेंट के तौर पे, और इसकी वैल्यू जो है वो स्मॉलर है, स्मॉलर देन इट्स चिल्ड्रन नोड। तो यहाँ पे हमारे पास जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाती है। और अगर हम इसी तरीके से राइट साइड को फोकस करें तो 16 हमारे पास आता है, 16 पेरेंट है और 19 जो है इसका चाइल्ड नोड है। 19 बिगर है, 16 मतलब पेरेंट नोड स्मॉलर है, तो यहाँ पे भी हमारी जो है रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाती है। इट मीन्स के हम इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो गिवन ट्री है वो मिन हीप है या मैक्स हीप है। अगर प्रीवियस एग्जांपल की तरह इसको मैं एरे के लिस्ट में से अगर हम मैप करें तो हम किस तरीके से देखेंगे कि वैल्यू 1 थी जो कि इंडेक्स 0 के ऊपर, हमने 1 पे देखी पेरेंट नोड के ऊपर, देन 4 था जो कि इंडेक्स 1 पे था, 16 इंडेक्स 2 के ऊपर, 7 इंडेक्स 3 पे, 12 इंडेक्स 4 पे एंड 19 इंडेक्स 5 के ऊपर था। इसी तरीके से जो हमारे पास 6 वैल्यूज थी 0 टिल 5 इंडेक्सिंग के ऊपर, ये हमने इस तरीके से तरतीब दी कि हमारे पास जो पेरेंट नोड की वैल्यू है वो स्मॉलर हो जाए और चिल्ड्रन नोड उसे बिगर हो जाए, तो हमारे पास ये मिन हीप होता है। और अगर मैक्स हीप में हमने क्या कहा था कि मैक्स हीप की जब हम बात कर रहे थे तो हमारे पास जो पेरेंट नोड था वो बिगर था और उसके चिल्ड्रन नोड जो थे वो उससे स्मॉलर थे। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम देखेंगे, जैसे कि हमने मैक्स हीप की एग्जांपल के अंदर देखा तो यहाँ पे वही बातें लिखी गई हैं कि मैक्स हीप डेफिनेशन, मैक्स हीप डेफिनेशन इज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री इन विच द वैल्यू इन ईच इंटरनल नोड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द वैल्यूज इन द चिल्ड्रन ऑफ द नोड। ठीक है, अब जैसे कि हमने मैक्स हीप में देखा था कि इसकी जो प्रॉपर्टी क्या है कि बेसिकली जो पेरेंट नोड होता है वो बिगर होता है या तो इक्विवेलेंट हो सकता है इसके चिल्ड्रन नोड से, तो इसकी जो है ये आइडेंटिफिकेशन है। मैक्स हीप की प्रॉपर्टी क्या है, द की ऑफ अ नोड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू देन द की ऑफ इट्स चिल्ड्रन। ठीक है, जो की ऑफ नोड हमारे पास होता है, जैसे कि पेरेंट नोड हमने कहा या लेफ्ट नोड पे जो पेरेंट नोड की तरह बिहेव करता चला जा रहा था, तो वहां पे क्या हमारे पास कंडीशन है कि इट हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द कीज ऑफ इट्स चिल्ड्रन, तो हमारे पास क्या होगा कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। इसी तरीके से अगर यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है, अगर हम इसको देखें तो मैक्स हीप ऑपरेशन, इसमें हमारे पास क्या होता है, हीप कैन बी स्टोर्ड एज एन एरे। हीप स्टोर्ड क्या है, एक एरे की तरह का हम देखें, यहाँ पे कुछ वैल्यूज गिवन है 16, 14, 10, 8, 7, 9, 3, 2, 4, 1, और इस एरे के अंदर कुछ इंडेक्सिंग यहाँ पे जैसे हमारे पास गिवन है, तो जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम इसको 1 से नोट करें तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इसके अंदर जो है वो 10 है। ठीक है, तो 10 इंडेक्सिंग के ऊपर जो हमारे पास एलिमेंट्स गिवन है जिस तरतीब के साथ हमने वैसे इसकी नोड बना दी। ठीक है, लेकिन व्हाट वी हैड टू कीप इन अ माइंड, वी हैड टू कीप इन अ माइंड द प्रीवियस प्रॉपर्टी दैट वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस स्लाइड, दैट वाज द की ऑफ अ नोड शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू इट्स द चिल्ड्रन नोड। सेम द रूल वी हैव फॉलोड ओवर हियर इन द रूट नोड, इफ यू सी देयर इज अ वैल्यू 16 एंड ऑन वैल्यू 2 वी हैव द वैल्यू 14, दैट मींस इट इज स्मॉलर एंड द पेरेंट नोड इज बिगर, इधर दे कैन बी इक्विवेलेंट और दे कैन बी द बिगर। ओके, सिमिलरली ऑन द इंडेक्स 3 व्हाट वी सी ऑन द वैल्यू ऑफ 3 वी हैव 10 एंड 10 इज स्मॉलर देन 16, सो आवर कंडीशन सेटिस्फाइड हियर दैट 16 इज बिगर, सो दैट मींस वी आर फॉलोइंग द करेक्ट पाथ। एंड हियर इट इज रिटन ओवर हियर इवन टू द रूट ऑफ अ ट्री इज ए ऑन द इंडेक्स 1 एंड द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ ए आई एंड ए 2 आई, सिमिलरली वी विल बी फॉलोइंग दैट विद अ प्लस 1 एंड ऑन इंडेक्स 3 अगेन फॉर 10 एंड 4 वी हैव द वैल्यू 8 and index 5, 7,
सिमिलरली फॉर द नेक्स्ट ऑफ द वैल्यूज. तो इसी तरीके से हमने क्या किया, जितनी भी वैल्यूज हमारे पास गिवन थी सिमिलरली हमने क्या किया, जितनी भी वैल्यूज हमारे पास जो है वो गिवन थी, हमने क्या किया उन तमाम वैल्यूज को यहाँ पे ऐड करते चले गए और पेरेंट नोड को जो है हमने वो बिगर रखते चले गए, ठीक है, ताकि हमारे पास जो ट्री स्ट्रक्चर है वो कंबाइन हो जाए. इसके एक और एग्जाम्पल है, हम यहाँ पे जैसे देख सकते हैं आई फाइव के ऊपर अगर हम देखें तो आई फाइव के ऊपर हमारे पास क्या है, जैसे यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ एलिमेंट जो हमारे पास गिवन है, कुछ एरेस गिवन है, इंडेक्स फाइव के ऊपर या आई फाइव के ऊपर हमारे पास क्या वैल्यू है, 16 है, एंड हियर वी कैन सी 16 ओ है. व्हाट वी नीड टू डू, वी हैव टू मेक द 16 एट द रूट नोड. व्हाई, बिकॉज 16 इज द बिगर अमंग ऑल द नोड्स दैट वी हैव गिवन. सो हम उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपनी लिस्ट को बैलेंस करते चले जाएंगे, ठीक है. जैसे कि 16 यहाँ पे, अगर हमें 16 को यहाँ पे लाना है इन द इंडेक्स 1, तो हम क्या करेंगे, हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा. अगर वो आई फाइव पे है दैट मीन्स हमें चार दफा उसको रिवर्स पोजीशन पे लेकर जाना पड़ेगा, दैट मीन्स आई फोर आई थ्री आई टू आई वन, एंड एट द एंड वी विल बी गेटिंग 16 ऑन इट्स पोजीशन, ठीक है. जैसे कि यहाँ आई फाइव के ऊपर अगर देखा जाए तो 16 है, जो कि यहाँ पे नेक्स्ट आई फोर के अंदर जो है फोर्थ इंडेक्स पे चला गया, और फोर्थ पे पहले क्या था, वन था ना, अब हमारे पास क्या है वहां पे, तो यहाँ पे आ गया, और इसी तरीके से 16 जो है वो आगे हमारे पास आता चला जाएगा और इंडेक्सिंग जो है इसकी चेंज होती चली जाएगी. अब इंडेक्स फोर के ऊपर हमारे पास क्या है, टू है, इंडेक्स थ्री के ऊपर हमारे पास क्या है, थ्री है, इंडेक्स टू के ऊपर हमारे पास क्या है, वन है, इंडेक्स वन के ऊपर हमारे पास क्या है, फोर है यहाँ पे, ठीक है. इसी तरीके से हमने क्या किया, इंडेक्सिंग को इतना रिवर्स किया कि हमारे पास 16 जो है वो यहाँ टॉप पे आ जाए. इसने इतने तमाम जो है वो रूट्स को जो है वो पाथ को जो है वो फॉलो किया, 16 2 3 1 एंड 4, ठीक है. ओके, अगर हमें एक हिपिफाई के अगर हम एग्जांपल देखें कि अगर हमें लिस्ट ऑफ एलिमेंट जो है वो गिवन हो तो हमें उसे किस तरीके से जो है वो हम एरे को ट्री को जो है वो डिजाइन करेंगे. तो लेट्स सपोज यहाँ पे जैसे हमारे पास लिस्ट ऑफ एलिमेंट जो है वो गिवन है, तो हम अब इसको देखेंगे किस तरीके से इसको हिपिफाई कर रहे हैं. तो 16 4 10 हमने उसके अकॉर्डिंग जैसे लिस्ट ऑफ एलिमेंट गिवन है हमने वैसे ट्री के अंदर पुट किए, 16 यहाँ पे किया, फिर 4 किया, 10 किया, 14 7 9 3 2 8 एंड 1, ठीक है. नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम देखेंगे कि हमने क्या किया, वी हैड टू वर्क ऑन दिस 16, सो वी आर वर्किंग ऑन दिस 16 नाउ. तो 16 4 10 14, सो सिमिलरली व्हाट वी हैव डन, वी हैव टू शफल दिस 4 विद द 14. व्हाई डू वी नीड टू शफल दिस 4 एंड 15, बिकॉज इन द स्टेज 1, इफ आई एम कॉलिंग दिस स्टेज, अगर मैं इसको स्टेज के तौर पे चेक करूं तो स्टेज 1 के ऊपर क्या है मेरे पास कंडीशन जो सेटिस्फाई हो रही है कि मैक्स हीप पे 16 बिगर है, लेकिन जैसे ही हम सेकंड स्टेज के ऊपर आ जाएंगे, सेकंड नोड के ऊपर 14 पे 4 के ऊपर, तो 4 जो है वो स्मॉलर है, तो यहाँ पे मैक्स हीप जो है वो सेटिस्फाई नहीं होता. तो हमने क्या किया, इन दोनों को स्वाप कर दिया, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है. तो 14 4 की जगह पे आ जाएगा और 4 जो है वो नीचे आ जाएगा. तो हमने यहाँ पे इंडेक्सिंग पे भी और लिस्ट के अंदर भी हमने इसको स्वाप कर दिया, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो. अब हमारे पास जो कंडीशन है वो इस तरीके से आ गई कि 14 आ गया, और अगर मैं स्टेज बैक चली जाऊँ स्टेज 1 के ऊपर, तो 16 और 14 यहाँ पे मेरी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होती है, ठीक है. और 14 है, फिर यहाँ पे 4 है मेरे पास, 4 के बाद 2 आता है एंड देन 8 आता है, तो दैट मीन्स यहाँ पे जो है मेरे पास कंडीशन 4 पे 2. अब मेरे पास जो जो एरर आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, 4 एंड 8 के ऊपर आ रहा है. अब हम क्या करेंगे, इस 4 को जो है वो कंपेयर किया हमने, अब 4 को हमने कंपेयर किससे किया, 8 के साथ, क्योंकि 8 जो था हमारे पास बिगर एलिमेंट था, 4 जो था वो स्मॉलर था. तो हम क्या करेंगे, इस 4 को 8 के साथ स्वाप कर देंगे, तो 8 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, 4 जो है वो 8 की रिप्लेसमेंट पे आ जाएगा. इसी तरीके से हमने लिस्ट के अंदर भी वैसे हमने चेंजेस ले आए, तो 8 आगे आ गया और 4 जो है वो यहाँ इस इंडेक्स के ऊपर चला गया. तो अब अगर हम स्टेज 1 के ऊपर से चेक करते हुए आए 16 14 10, तो 16 14 10 तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है. सेकंड स्टेज के अंदर 14 8 और 7 है, तो दैट मींस यहाँ पे भी हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. अब अगर 8 2 और 4 को देखा जाए तो यहाँ पे भी हमारी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाती है, ठीक है. अब अगर मैं यहाँ पे 7 और 1 को कंपेयर करूँ तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी मेरे पास कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई है, 7 बिगर है, 1 है, एंड देन राइट साइड पे 10 है, 9 है और 3 है, तो यहाँ पे भी मेरे पास जो है कंडीशन
सेटिस्फाई हो जाती है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है ये चीज हिपिफाई हो गई और हमारे पास एक कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है वो मैक्स हीप का आ चुका है। ओके, इसकी कुछ हीप सॉर्ट की अगर कुछ सॉर्टिंग स्ट्रेटेजी देखी जाए तो वो कुछ इस तरीके से है। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, तो नंबर वन, बिल्ड मैक्स हीप फ्रॉम अनऑर्डर्ड एरे। सबसे पहले अगर आपके पास एक अनऑर्डर्ड एरे गिवन है तो आप उससे जो है वो मैक्स हीप जो है वो बिल्ड करना है हमें। देन हमें क्या करना है, उस पे जो एलिमेंट हमारे पास है आईथ इंडेक्स के ऊपर मौजूद है उसको हमें फाइंड करना है। देन जो हमारे पास नेक्स्ट उससे स्मॉलर एलिमेंट है, क्योंकि हमें बिगर एलिमेंट जो है वो पेरेंट नोड के ऊपर रखना है। ठीक है, तो एंथ वो पोजिशन है जहाँ पे हमारे पास वो एलिमेंट प्रेजेंट हो सकता है। हम क्या करेंगे, दोनों को मैच करके स्वाप कर देंगे अगर स्वापिंग पॉसिबल है तो। देन नाउ मैक्स एलिमेंट इज एट द एंड ऑफ द एरे, डिस्कार्ड नोड एंड फ्रॉम द हीप बाय डिक्रीमेंटिंग हीप साइज वेरिएबल। हम क्या करेंगे, फिर उस एंड नोड को जो है वो वहां से डिस्कार्ड कर देंगे। न्यू रूट में वायलेट मैक्स हीप प्रॉपर्टी बट इट्स चिल्ड्रन आर मैक्स हीप। न्यू रूट जो हमारे पास बन जाएगी मे भी वो हमारे पास हीप प्रॉपर्टी को जो है वायलेट कर सकती है, बट उसके चिल्ड्रन जो है वो हमारे पास अब मैक्स हीप पे आते चले जाएंगे। रन मैक्स हीप, बिल्ड मैक्स हीप फ्रॉम अनऑर्डर्ड एरे, फाइंड मैक्सिमम एलिमेंट, स्वाप एलिमेंट। अब जब हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगर मुझे एक अनऑर्डर्ड एरे में से मैक्सिमम हीप को बिल्ड करना है तो हम क्या करेंगे, उस पूरी लिस्ट में से हम मैक्सिमम एलिमेंट को फाइंड करेंगे जैसे हम सिलेक्शन सॉर्ट के अंदर करते थे। फिर हम क्या करेंगे, स्वाप द एलिमेंट ए एन एंड ए आई। अब जो फर्स्ट एंथ एलिमेंट पे एंथ इंडेक्स के ऊपर जो भी एलिमेंट मौजूद है उसको और मुझे ए वन जो इंडेक्स फर्स्ट है उसको स्वाप करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे वन इंडेक्स पे जो है वो मुझे मैक्सिमम एलिमेंट को लाना है। नाउ मैक्स एलिमेंट इज एट द एंड ऑफ द एरे। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, अगर मैं इसको स्वाप कर दूँ या तो मैं उसको फर्स्ट पे रखूँ या मैं उसको जो है वो लास्ट एलिमेंट पे रखूँ। लास्ट पे मैं कब रखूंगी, जब मुझे उस एरे में से उस एलिमेंट को क्या करना पड़ेगा, डिस्कार्ड करना पड़ेगा। बाय डिक्रीमेंटिंग हीप साइज वेरिएबल, अगर मुझे हीप जैसे लिस्ट ऑफ एलिमेंट है यहाँ पे अगर हम देखें, 10th अगर मेरे पास इंडेक्स है और मुझे 16 को क्या करना पड़ेगा, इसको रिप्लेस करना पड़ेगा वन के साथ ताकि वन जो है वो यहाँ पे आ जाए। ये मैं ऐसा क्यों करूँगी, ताकि मुझे लिस्ट जो है वो एक ऑर्डर चाहिए, सीक्वेंस चाहिए। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 14, 16 मेरे पास जो अभी ऑर्डर लिस्ट आएगी कुछ ऐसी आएगी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 16 को यहाँ वन की पोजिशन पे लाना पड़ेगा और मैं कंसिडर करके चलूंगी कि मैं इसको जो है वो हाथ के हाथ डिस्कार्ड करती हुई आ रही हूँ। ठीक है, ताकि मेरे जो लिस्ट का साइज है, हीप का साइज है, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाए। नाउ रूट में वायलेट मैक्सिमम हीप प्रॉपर्टी, ऑब्वियसली अब मेरे पास क्या होगा, रूट जो होगी वो क्या करेगी, बेटा टर्न ऑफ योर माइक। अब बस न्यू रूट आ जाएगी, अब जो मेरे पास न्यू रूट आ जाएगी वो किसको वायलेट करेगी, वो मैक्सिमम हीप की प्रॉपर्टी को वायलेट करेगी। बट इट स्टिल रन्स ऑन मैक्स हीप, रन मैक्स हिपिफाई फॉर फिक्स। ऑब्वियसली जब यहाँ पे अगर देखो कि मैं यहाँ 16 की जगह पे 1 को रख दूँ और यहाँ 16 को रख दूँ, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ जाएगी कि वो मैक्सिमम हीप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई जो है वो नहीं करेगी, बल्कि उस प्रॉपर्टी को वायलेट करेगी। ठीक है, अब यहाँ पे लिस्ट ऑफ एलिमेंट हमारे पास गिवन है, हमने क्या किया, एज पर लिस्ट हमने इसको यहाँ पे एज अ ट्री के फॉर्म में बिल्ड कर दिया। जो भी एलिमेंट जिस इंडेक्स के ऊपर मौजूद था हम उसको यहाँ पे प्लेस करते हुए चले गए। ठीक है, सो ऑल 10 इंडेक्स हमारे पास मौजूद है, 16, 14, 10, 8, 7, 9, 3, 2, 4, 1। 16 इंडेक्स 1 पे है, 14 2 पे है, 10 हमारे पास 3 पे आ गया, 8 हमारे पास 4th पे आया, 7 5th पे आया, 9 मेरे पास 6th पे आया, 3 7 पे, 2 8 पे, 4 9 पे एंड 1 मेरे पास 10th इंडेक्स पे आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें इसको ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर सॉर्ट करना है। ठीक है, अब ये मेरे पास लिस्ट के बने, अब मेरे पास क्या कोशिश होगी कि जो 16 एलिमेंट है उसको हम कहाँ पे ले आए, लास्ट में ले आए, जबकि 16 मेरे पास इनिशियली कहाँ पे था, वो फर्स्ट पे मौजूद था। अब 16 मेरे पास क्या आया, 10th इंडेक्स पे मुझे इसको लेकर आना है।
ठीक है, 16 को हम 10th इंडेक्स पर लेकर आ गए क्योंकि हमारे पास क्या है, ये बिगर है। अब सेकंड हमारे पास क्या होगा, 14 है। 14 हमारे पास कहाँ था, सेकंड इंडेक्स पे मौजूद था। अब सेकंड मेरे पास क्या आ गया, 9th इंडेक्स के ऊपर मौजूद है। अगेन जो थर्ड एलिमेंट है 10, वो थर्ड इंडेक्स 8 पे आ गया। 9 इंडेक्स, 9 जो है इंडेक्स 7 के ऊपर आ गया। 6 इंडेक्स 8 के ऊपर आ गया, ए सॉरी 8 इंडेक्स 6 के ऊपर आ गया। 7 जो इंडेक्स 5 के ऊपर आ गया। 4 इंडेक्स 4 के ऊपर आ गया। इस तरीके से जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे वो क्या हो जाएंगे, अब मेरे पास ऑर्डर्ड होते चले जाएंगे। 3 जो है वो इंडेक्स 3 के ऊपर आ गया, 2 इंडेक्स 2 के ऊपर आ गया, 1 इंडेक्स 1 के ऊपर आ गया। अब जो मेरे पास लिस्ट लिस्ट ऑफ एलिमेंट गिवन है, देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 7 8 9 10 14 16, मेरे पास इंडेक्सिंग में पूरी है 1 2 10, और मेरे पास लिस्ट ऑफ एलिमेंट जो है वो भी मेरे पास ऑर्डर्ड होते चले गए। ठीक है, ये हीप सॉर्ट का जो है वो सुडो कोड हमारे पास एक हीप सॉर्ट है, एक लिस्ट ऑफ एलिमेंट हमारे पास गिवन है। अगर मुझे उस लिस्ट ऑफ एलिमेंट को जो है वो बिल्ड करना है तो हम क्या करेंगे, आई इज इक्वल्स टू एन, जो भी जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, इंडेक्स 1 2 इंडेक्स 1, ठीक है, हम उसको क्या करते हैं, स्वाप करते चले जाते हैं A1 से AI, जो भी इंडेक्स हमारे पास मौजूद होती है। एंड नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट से वन एलिमेंट डिक्रीमेंट करते चले जाते हैं। जैसे अभी हमने देखा, हम उसको क्या करते चले जाते हैं, कम करते चले जाते हैं। अगर मेरे पास एलिमेंट्स को बिल्ड करना है, लिस्ट ऑफ एलिमेंट मेरे पास गिवन है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं एथ एरे के पास, और अगर मुझे उसकी फ्लोर वैल्यू देखनी है, तो एन मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट जो कि 10 है, 10/2 अगर मैं करूंगी तो मेरे पास फिफ्थ एलिमेंट आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगी, फर्स्ट एलिमेंट को फिफ्थ एलिमेंट के साथ भी डायरेक्टली मैं शफल कर सकती हूँ। तो इससे क्या होगा, मेरे पास जो लिस्ट को सॉर्ट करना है इन द फॉर्म ऑफ ट्री, वो मेरे पास सॉर्टिंग होती चली जाएगी। हिपिफाई एज एन एरे, लेफ्ट 2i, राइट 2i+1। लेफ्ट एलिमेंट पे हमारे पास 2 इंडेक्स होते हैं, सेकंड पे जो हमारे पास होती है राइट पे, वो हमारे पास +1 होते हैं, वो वहाँ पे एलिमेंट हमारे पास जो है वो ऐड होते चले जाते हैं। अगर लेफ्ट पे हम देखें तो लेफ्ट पे हमारे पास क्या होते हैं, सारे जो हैं वो ग्रेटर देन है। अगर मैं राइट एलिमेंट की बात करूँ तो राइट साइड पे हमारे पास एलिमेंट क्या होते हैं, इंडेक्स एलिमेंट्स, एंथ जो हमारे पास एलिमेंट है, लिस्ट ऑफ एलिमेंट है, उससे वो क्या होंगे, वो बिगर होते चले जाएंगे। ठीक है, तो हम इसको मैक्सिमम हीप से अगर हम इसको सॉर्ट करें तो हम इसको मैक्स हीप के मैक्स वैल्यू या मैक्स मेथड के थ्रू हम इसको हैपीफाई कर सकते हैं। अगर मुझे यही चीज मिनिमम हीप के थ्रू करनी पड़े तभी भी हम इसको मिनिमम हीप के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मोस्टली बोथ आर सेम, वो भी बिल्कुल सेम है जैसे हमने मैक्सिमम हीप को देखा है। ठीक है, सिर्फ इसमें क्या करना होगा, हमें लोअर एलिमेंट्स को जो है वो रूट नोड पे हमें लेकर आना पड़ेगा। मिनिमम हीप डेफिनेशन इज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री इन विच द वैल्यू इन ईच इंटरनल नोड इज लोअर देन और इक्वल टू द वैल्यूज इन द चिल्ड्रन ऑफ दैट नोड। इसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है, मिनिमम हीप के अंदर हमें लोअर एलिमेंट जो होते हैं, स्मॉलर एलिमेंट जो होते हैं, वो हमें रूट नोड के ऊपर लेकर आने पड़ते हैं। ठीक है, या तो वो उससे लोअर हो या तो वो उसके इक्वल हो। ठीक है, द की ऑफ अ नोड इज लोअर और इक्वल देन द की ऑफ इट्स चिल्ड्रन। इसे दोबारा समझा दें, मिनिमम मिनिमम हीप में हमें क्या करना होता है, जिस तरह मैक्स हीप के अंदर हमने देखा कि रूट नोड के ऊपर हम बिगर एलिमेंट को रख रहे थे, बाकी जो चिल्ड्रन नोड थे वो से स्मॉल थे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका इनवर्स हो जाएगा। मिन हीप के अंदर ये होता है कि रूट नोड जो होती हैं वो आपकी सारी स्मॉल होती हैं, और चिल्ड्रन जो होते हैं वो रूट नोड से बिगर होते हैं, या तो स्मॉल हो या तो वो इक्वल हो। हम इस दो प्रॉपर्टी को यहाँ पे कंसीडर करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, सेकेंड हमारे पास क्या है कि जितनी भी आपके पास ट्री का जब डिजाइन स्ट्रक्चर जो है वो आ जाए, तो जब ट्री फाइनलाइज हो जाए तो आपके पास वो बाइनरी ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता हो। मतलब उसके लेफ्ट मोस्ट साइड जो हो वो उसकी बैलेंस होना चाहिए, और अगर मिनिमम हीप है तो सारे रूट नोड जो होती हैं, पेरेंट नोड जो है हमारे पास, वो लोअर एलिमेंट वहां पे मौजूद हो। क्लियर है आप?
हीप ऑपरेशन, मिनिमम हीप ऑपरेशन एज इट इज सेम हमारे पास आ जाएगा. अ हीप कैन बी स्टोर्ड एज एन एरे. एरे हमारे पास ए लिस्ट ऑफ एरे या लिस्ट ऑफ एलिमेंट हमारे पास गिवन है. रूट ऑफ ट्री इज ए, अगर वो जीरोथ इंडेक्स पे मौजूद है तो लेफ्ट चाइल्ड ऑफ ए आई इज इक्वल्स टू ए टू आई, जो नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास गिवन है. अब हम उसमें क्या करते चले जाएंगे, प्लस वन प्लस टू हम उसके अंदर ऐड करते चले जाएंगे. लेफ्ट पे तो प्लस वन, राइट पे तो वो प्लस टू लाइक इंडेक्स के ऊपर आ जाएगा. ये क्या है वन और टू, ये उसकी इंडेक्सिंग और चिल्ड्रन नोड जो है वो नंबर ऑफ चाइल्ड नोड जो है वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है. और अगर पेरेंट की बात करें तो अगेन मेरे पास फ्लोर वैल्यू है आई अपॉन टू. ये फ्लोर वैल्यू को चेक करने का फॉर्मूला है, ठीक है. मिनिमम हीप पे हम क्या करेंगे, फ्लोर वैल्यू अपॉन टू माइनस वन कर देंगे, ठीक है. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मिनिमम हीप का मेथड हमारे पास आ जाएगा कि फला एलिमेंट जो है आपके पास कौन सी इंडेक्स के ऊपर मौजूद है तो आप उसको जो है वो रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है. पेरेंट को मतलब जितने भी लिस्ट में हमारे पास पेरेंट एलिमेंट बनेंगे उसको हम रूट नोड को या पेरेंट एलिमेंट को हम फ्लोर एलिमेंट से, फ्लोर लिस्ट से हम उसको चेक कर सकते हैं. फ्लोर वैल्यू के साथ हम उसको चेक कर सकते हैं. अगर मिन हीप के अंदर देखा जाए तो यहाँ 19, 12, 16, 12, 1, 4, 7. अब हमें क्या करना है, मिन हीप के अंदर हमें 19 को सबसे बॉटम पे लेकर जाना है, क्योंकि 19 जो है वो हमारे पास मिन हीप के अकॉर्डिंग फॉलो नहीं होता, जबकि हमारे पास मिन हीप के हिसाब से वन जो है वो सबसे स्मॉल है, फोर स्मॉल है, सेवन स्मॉल है. अब तक जो हमारे पास सेवन जो लिस्ट हमारे पास गिवन है वो पेरेंट नोड पे मोस्ट पॉसिबल ये कुछ तीन जो है वो पेरेंट हमारे पास होने चाहिए, ठीक है. फेज वन के अंदर अगर हमारे पास लिस्ट गिवन है तो मिन हीप के अंदर हम क्या करेंगे, इसको वन जो एलिमेंट था वो हमारे पास जो है वो पेरेंट एलिमेंट पे आ गया. 19 है, 12 है, 1 है. 1 ने 12 की पोजीशन ले ली, 1 यहाँ आ गया, 12 यहाँ आ गया. अब 1 को 19 की इंडेक्स पे जाना है ताकि 19 जो है वो नीचे आ जाए. अब 1 जो है वो पेरेंट पे आ गया क्योंकि स्मॉल था मिन हीप के अकॉर्डिंग. अब 19 यहाँ, 7 यहाँ. अब यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन मेरे पास सेटिस्फाई हो जाती है, लेकिन 19 जो है बिगर है, 12 जो है वो स्मॉलर है, ठीक है. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 19 और 4 की आपस में शफलिंग हो जाएगी, तो 4 यहाँ पे पेरेंट नोड बन जाएगा, 12 यहाँ पे, 19 यहाँ पे, ठीक है. इस तरीके से हमारे पास वन एलिमेंट जो है वो यहाँ से सॉर्ट हो गया. वन अब हमारे पास से लिस्ट में से निकल गया, अब हमने उसको सॉर्ट कर दिया. अब सेकंड क्या है, जब हमने वन को हटा दिया तो हमारे पास पेरेंट जो है वो लास्ट एलिमेंट जो है वो हमारे पास पेरेंट नोड बन गया, 16 अब हमारे पास बन गया. अब 16 यहाँ पे आया, 4 यहाँ पे, 7 यहाँ पे. तो हमारे पास ये मिनिमम हीप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है. तो हमें क्या करना है, 4 को ऊपर लेकर आना है. हम 4 को पेरेंट नोड पे लेकर आए, 16 यहाँ, 7 यहाँ, 12 और 19. अब 16 और 19 और 12 ये सेटिस्फाई नहीं करता तो मोस्ट पॉसिबल 12 को जो है वो ऊपर जाना चाहिए. तो 12 जो है हमारे पास यहाँ पे आ गया, 16 और 19 इसके जो है वो रूट चिल्ड्रन हो गए, सॉरी चिल्ड्रन हो गए. देन हमारे पास ये ट्री भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया. अब हमने क्या किया है, 4 को भी लिस्ट में से डिस्कार्ड कर दिया. अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो पेरेंट बन गया 19. जितने भी बिगर एलिमेंट हमारे पास है लिस्ट में या जितने भी लास्ट डेप्थ एलिमेंट जो रूट एलिमेंट है वो हमारे पास बिगर है, हम उसको उठा के पेरेंट बना देते हैं. तो 19 अब हमारे पास पेरेंट बन गया, 19, 12 और 16. अभी भी मेरे पास कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही, ठीक है. तो मुझे यहाँ पे मिनिमम एलिमेंट को देखना है. तो मिनिमम एलिमेंट मेरे पास क्या है, 7 है. तो 7 और 19 की आपस में शफलिंग हो गई, तो 7 स्मॉल है, 12 है, 19 है, 12 और 16 यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई होती, तो 7 भी अब हमारे पास से लिस्ट में निकल गया. फेज 4 के अंदर अब हमारे पास लिस्ट ऑफ एलिमेंट कुछ ये है, 16 है, 12 है और 19 है, जबकि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है. तो हमारे पास क्या करना है, 12 को हमें ऊपर लेकर जाना है. अब हम 12 को ऊपर लेकर गए तो हमारे पास 16 और 19, अब हमारे पास एक कंप्लीट ट्री भी मौजूद है और हमारे पास स्मॉल एलिमेंट भी मौजूद है. अब 12 को भी हमने क्या किया, लिस्ट में से निकाल दिया. अब फेज 5 के अंदर हमारे पास दो एलिमेंट गिवन है, 16 और 19. तो 19 जो है बिगर है, मिनिमम हीप को ये फॉलो नहीं करता, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 16 को ऊपर लेकर जाना है, 19 को नीचे लेकर आना है, ठीक है. तो फेज 5 के अंदर हमारे पास जो लिस्ट ऑफ एलिमेंट जो है वो गिव इस तरीके से आ गई.
अब जो हमने एलिमेंट को हिपिफाई किया वो इस ऑर्डर के अंदर किया, पहले 1 किया, फिर 4 किया, फिर 7 किया, फिर 12 किया, फिर हमने 16 किया. अब हमें इस लिस्ट के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, लिस्ट को वो ट्री स्ट्रक्चर देना है. तो 7 फेज के अंदर हमारे पास कितने एलिमेंट बचे, सिंगल. जब 16 भी हाँ लिस्ट में से निकल गया, अब हमारे पास आखिर में क्या बचा, 19 बचा. अब मेरे पास ऑर्डर कुछ ऐसा आया, 1 आया, 4, 7, 12, 16, 19. अब ये मेरे पास एक ordered list भी given है. अब अगर मैं इसका final इसको structure design करूं, तो 1, फिर 4, फिर 7, 12, 16, 19. ये मेरे पास index values हैं. ये 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ठीक है? तो हमारे पास order list के according भी list of element जो यहां तक आ गई. ओके, तो कंक्लूजन की अगर बात की जाए हीप सॉर्ट के अंदर, तो द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ द हीप सॉर्ट इज इट्स एफिशिएंसी. द एग्जीक्यूशन टाइम एफिशिएंसी ऑफ द हीप सॉर्ट इज बिग ओ एंड लॉग एन. तो जैसे कि हमने जो है वो हीप सॉर्ट को अभी देखा, उसके अंदर हमने उसके दो डिफरेंट टाइप्स को देखा, जो कि मैक्स हीप और जो मिन हीप के अंदर था. तो अगर हम इसकी हीप सॉर्ट की एफिशिएंसी की बात करें, तो इसकी जो बिग ओ एंड लॉग एन जो है वो इसकी टाइम एफिशिएंसी है हमारे पास. और अगर इसकी मेमोरी एफिशिएंसी की बात की जाए, तो अदर एंड लॉग एन एंड सॉर्ट एंड कॉन्स्टेंट बिग ओ वन. ठीक है, बिकॉज द हीप सॉर्ट एल्गोरिथम इज नॉट रिकर्सिव. क्योंकि हीप सॉर्ट एल्गोरिथम जो है वो हमारे पास रिकर्सिव, उसके पास जो फीचर है वो नहीं होता है. ठीक है, तो अगर मैं इसको समराइज करूं आज के लेक्चर को, तो हमने जो है इसके अंदर देखा कि हीप क्या होता है, हीप सॉर्ट कैसे काम करता है, उसकी क्या टाइप्स होती हैं, और उसके अंदर फिर हमने कंप्लीट ट्री का स्ट्रक्चर हमने देखा कि किस तरीके से हम जो है वो लेफ्ट मोस्ट नोड को जो है वो ट्राई करते हैं और उसकी बैलेंसिंग देख रहे होते हैं, उसको बैलेंस कर रहे होते हैं. देन उसके बाद हमने एक हिपिफाई किया ट्रीज को एज पर डिफरेंट ऑर्डर, जिसके अंदर हमारे पास एक मैक्सिमम एक असेंडिंग ऑर्डर के तौर पे आ रहा था, और एक जो है वो हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर के तहत हमारे पास जो है वो ट्री को हम ऑर्डर कर रहे थे. या हम उसके टाइप की बात करें, तो मैक्स हीप और मिन हीप था. जैसे कि मैक्स हीप के अंदर हम मैक्सिमम पेरेंट नोड को वहाँ पे प्लेस करते चले जा रहे थे, और मिन हीप में हम जो है वो पेरेंट नोड पे हम मिनिमम वैल्यूज को देखते चले जा रहे थे. आई होप आज का लेक्चर जो है वो आपको काफ़ी क्लियर होगा. अगर कोई क्वेश्चन है तो आप इसके हवाले से जो है वो पूछ सकते हैं. ठीक है, टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़.